चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया गया हूँ मैग्नेट वाली ड्रिल मशीन है दोस्तों। इस मशीन में हम लोग मेटल के ऊपर रख के इसका मैग्नेट ऑन कर देते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये मशीन इधर उधर भागती नहीं है और आराम से हम वहाँ पे होल कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। ये देख लीजिए ये मशीन है और इस मशीन का दोस्तों मैग्नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, मैग्नेट नहीं पकड़ रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है मैग्नेट है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग, और ये मैग्नेट जो है पकड़ नहीं रहा है दोस्तों मेटल पे, तो यही हमको देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों कोई भी मशीन खोलने से पहले हम लोगों का उसका जो आउटर जो चीज़ें हैं जैसे फ्यूज़ हो गया, वायर हो गया, कनेक्टर हो गया, ये सब चीज़ें पहले चेक कर लेनी है दोस्तों। अक्सर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं दोस्तों कि पहले मशीन को खोल देते हैं, खोलना नहीं है दोस्तों। खोलने से पहले आप लोगों को सबसे पहले इसका आउटर जो चीज़ें होती है जैसे कि फ्यूज़, ये देखिए दोस्तों ये फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ को पहले हम लोग चेक कर लेंगे खोल के। तो आउटर के जो भी इसके उपकरण होते हैं जैसे कि वायर हो गया, कनेक्टर हो गया, फ्यूज़ हो गया, स्विच हो गया, इसको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फ्यूज़ को चेक करते हैं। अक्सर फ्यूज़ में ही प्रॉब्लम हो जाती है तो लोगों को लगता है कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो इस फ्यूज़ को पहले हम लोग चेक करेंगे दोस्तों। चलिए ये देखिए दोस्तों ये फ्यूज़ हमने चेक कर लिया है। ये फ्यूज़ जो है दोस्तों, ये फ्यूज़ आपको कंटिन्यूटी पे मीटर को सेट करके चेक करना है। तो ये देखिए कंटिन्यूटी मैंने सेट कर लिया है और इसको हम लोग चेक करेंगे अभी। ये देखिए फ्यूज़ के दोनों साइड आपको आपका मीटर का वायर लगाना है। देखिए रीडिंग नहीं बता रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये फ्यूज़ ही ख़राब है, तो इस फ्यूज़ को हम लोग चेंज करेंगे। ये देख लीजिए आप लोग, अभी भी रीडिंग नहीं बता रहा है। चलिए ये मैं अच्छा वाला एक फ्यूज़ ले रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों अच्छे वाले फ्यूज़ का रीडिंग बता रहा है, मतलब ये फ्यूज़ चालू है। तो इस फ्यूज़ को हमको उसमें मशीन में लगा लेना है। तो चलिए मैं फ्यूज़ को मशीन में लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसका जो अडेप्टर है, जो इसका स्लॉट जो दिया हुआ है, उसमें लगा लेना है अच्छे से। ये देखिए इसमें मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। आप दोस्तों टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पूरा टाइट कर ले, लूज़ ना रखें दोस्तों। लूज़ रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, वापस फ्यूज़ आपका जा सकता है और मशीन को भी नुकसान हो सकता है, तो आप फुल टाइट करें। तो ये देखिए दोस्तों मैंने एक प्लेट रखा है यहाँ पर, इस प्लेट के ऊपर मशीन रखा है मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए। तो अभी इसको मैं जब चालू करूंगा दोस्तों तो इस प्लेट को ये मैग्नेट पकड़ लेगा, और इतना तगड़ा मैग्नेट पकड़ता है दोस्तों कि ये प्लेट भी उठा देगा तो भी ये जो इसका है छोड़ेगा नहीं। ये देखिए ये वायर है, ये हम लोगों ने लगा लिया है इसको कनेक्टर को यहाँ पे, और इसको लगा के हमने यहाँ से इसको पावर दिया है दोस्तों। पावर मैं हमेशा पहले टेस्टिंग के लिए सीरीज़ का यूज़ करता हूँ दोस्तों। ये देखिए सीरीज़ का है और ये मेरा बल्ब है, हम लोग हमेशा पहले सीरीज़ का ही यूज़ करेंगे, बल्ब को ही यूज़ करेंगे, बल्ब आपका ग्लो होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अक्सर सीरीज़ में चेक करने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि कुछ भी शॉर्ट सर्किट या बर्न वगैरह या मशीन नुकसान नहीं होता है मशीन में कोई भी स्क्वायर पार्ट का। तो ये जो स्विच है दोस्तों ये मैग्नेट का स्विच है, और ये जो वाइट वाला ऊपर का स्विच है दोस्तों ये इसके मोटर का है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम मैग्नेट में आ रहा था तो हम लोग मैग्नेट का स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन किया, बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है और डीम ग्लो हो रहा है, मतलब हमारा जो मैग्नेट का कॉइल है वो सही है। ये देखिए बंद कर दिया मैंने, और अब वापस से इसका स्विच ऑन करूँगा तो ये चालू हो जाएगा। ये देखिए चालू हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट का स्विच ऑन करने पे ये बल्ब चालू हो रहा है, ग्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारा मैग्नेट का कॉइल अच्छा है और मैग्नेट भी पकड़ेगा। अब फ्यूज़ हमने चेंज कर दिया है तो मैग्नेट पकड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, और मैं आपको इसको मशीन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये जो है दोस्तों ड्रिल मशीन का मोटर है, आप देख लीजिए ये हैंडल है, ऊपर नीचे करने के लिए ये हैंडल है, और इसको देखिए अभी फ्यूज़ अभी हमने चालू नहीं किया है तो ये देखिए मैग्नेट नहीं पकड़ रहा है। जब मैं इसको मैग्नेट का स्विच ऑन करूँगा तो मैग्नेट पकड़ेगा दोस्तों। तो चलिए मैं फटाफट आपको इसका मैग्नेट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों अब मैं इसका स्विच जो है ऑन करके आपको मैग्नेट दिखाऊँगा। ये देखिए मैग्नेट नहीं पकड़ रहा है, आप लोग देख लीजिए। अभी देखिए मैं इसका मैग्नेट जो है, मैग्नेट का स्विच जो है ऑन करता हूँ। ये देखिए पहले वहाँ से ऑन किया, फिर मैंने ड्रिल मशीन का स्विच ऑन किया। ये देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। ये देखिए मैं आपको इसको उठा के और हिला के दिखाता हूँ, ये हिल भी नहीं रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए। यानी इसका ये प्लेट को देख लीजिए, अभी मैंने स्विच बंद कर दिया तो ये उठ रहा है,
अभी मैं आपको यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा तो ये देखिए बल्ब ग्लो हो गया और आपका ये जो मैग्नेट है ये पकड़ लिया है दोस्तों। ये देखिए मैं पूरा उठा रहा हूँ फिर भी ये मैग्नेट नहीं छोड़ रहा है, मैग्नेट पकड़ लिया है, मतलब हमारा जो मैग्नेट का प्रॉब्लम था मैग्नेट मशीन में नहीं पकड़ रहा था वो अब सही हो चुका है दोस्तों। अब ये मशीन रेडी है यूज़ करने के लिए। अभी स्विच बंद कर दिया तो देखिए नहीं पकड़ रहा है, तो अब ये मशीन जो है रेडी है यूज़ करने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसको चालू करके भी दिखाता हूँ। अब मैं आपका इसका मोटर चालू करके दिखाता हूँ दोस्तों, मोटर भी चालू ही था पहले से फिर भी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो ये चलिए हम लोग ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने अब इसका स्विच जो है ऑन किया, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा जो इसका मोटर है वो देखिए घूम रहा है, अच्छी तरह से चालू हो गया। अब ये मशीन रेडी है दोस्तों यूज़ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मेरी इस चैनल पे वीडियो को देख के ऐसे ही लोग निकल जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय।